हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 जो एक्सप्लोसिव एसेसरीज एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस से संबंधित है, इस वीडियो पे मैं इसके बारे बताऊंगा। और इस जो चैप्टर में है, जो एग्ज़ामिनेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, वही इस पे मैं डील करूँगा। कुछ टॉपिक मैं उड़ा दिया हूँ जो फर्स्ट टाइम जो डिटेल्स है, जैसे स्लरी एक्सप्लोसिव क्या है, एन्फो एक्सप्लोसिव क्या है, इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव क्या है, उसके सारे चीज़ जो हैं आप खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन के व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। अगर आप लोग कहोगे तो उससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले आऊँगा। इसलिए इस वीडियो पर क्या है ना कि मैं सारे क्वेश्चन बना करके मैं समझाऊंगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन बनाकर समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। और हाँ, और एक चीज़ है, इस वीडियो पे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि नया नया चीज़ मिलेगा जो आपको, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैं प्रूफ के साथ दूंगा कि वो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। इसीलिए वीडियो पे बने रहें और अंत तक देखें तो आपको नया कुछ मिलेगा जो आपके दिमाग एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपको नया जानकारी मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। आज इस वीडियो पे जो टॉपिक मैं टॉपिक जो बताने वाला हूँ, ये टॉपिक इस प्रकार है। और हाँ, एक बात है, और एक चीज़ बोलना भूल गया कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, और क्या करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को नया नया चीज़ सीखने को मिले। और डीजे देशमुख के साथ में आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक जो होगा, देखिए यहाँ पे परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या है ये मैं बताऊंगा। परमिटेड एक्सप्लोसिव में क्या होता है, दो तरह के परमिटेड एक्सप्लोसिव में, एक अंडरग्राउंड के लिए परमिट होता है, दूसरा क्या है, जो ओपन कास्ट में जो होता है वो परमिशन मिलता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव और परमिशन वाले एक्सप्लोसिव में बहुत अंतर है, वो मैं अंतर बताऊंगा। दूसरा है कि परमिटेड एक्सप्लोसिव 5 ग्रुप के होते हैं, वे भी मैं बताऊंगा। तीसरा है कूलिंग एजेंट, जो एक्सप्लोसिव में कूलिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है वो बताऊंगा। सीथ एक्सप्लोसिव क्या है ये भी बताऊंगा। इक्विवेलेंट एक्सप्लोसिव क्या है ये भी बताऊंगा। और कॉलम चार्ज एक्सप्लोसिव, ये कुछ है नहीं, आपको लग रहा होगा ये कॉलम चार्ज एक्सप्लोसिव है क्या यार, लेकिन आप समझ जाओगे, नॉर्मल चीज़ है। अबाउट रेगुलेशन 198, मतलब परमिटेड एक्सप्लोसिव से जो रेगुलेशन है 198 और 199, दो रेगुलेशन है, उसको भी मैं लास्ट में डील करूँगा। इसीलिए वीडियो को मैं पूरा बने पूरा देखें वीडियो को, ये नहीं कि आप पार लंबा जा रहा है वीडियो पे, उस पर ध्यान ना दें, उसको देखिए अंदर में क्या क्या नॉलेज है, आपको गारंटी मिलेगी अच्छी नॉलेज। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग माइन स्लरी एक्सप्लोसिव इन द फॉर्म ऑफ कार्टिज इज यूज। स्लरी एक्सप्लोसिव जो होता है कार्टिज के रूप में किस माइंस में यूज होता है। पहला है, ऑप्शन है ओपन कास्ट माइंस, सेकेंड इज अंडरग्राउंड माइंस, थर्ड इज बोथ 1 एंड 2, फोर्थ इज कार्टिज के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, अंडरग्राउंड माइंस में। अंडरग्राउंड माइंस में स्लरी एक्सप्लोसिव कार्टिज के रूप में इस्तेमाल होता है, ये आपको नया लग रहा होगा। ये क्यों मैं आंसर दिया हूँ, इसके बारे में डिटेल में बीच वीडियो के बीच में या एंड में बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों है, आपको थोड़ा सस्पेंस लगेगा, इसीलिए वीडियो पर बने रहें और देखें जरूर। चलिए नेक्स्ट देखिए, परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या, परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या है ये पहले ध्यान रखेंगे। क्या होता क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर जो है वो एक मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी को वो अप्रूव्ड करते हैं, वो कंपनी एक्सप्लोसिव बनाती है, उसको अप्रूव्ड किया हुआ होता है, और वो एक्सप्लोसिव क्या होता है, DGMS के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। वो एक्सप्लोसिव जनरल ऑर्डर के थ्रू या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू में गैजेट में नोटिफिकेशन देता है कि ये परमिटेड एक्सप्लोसिव है। परमिटेड एक्सप्लोसिव का सीधा सीधी अर्थ है कि ऐसी कंपनी द्वारा व ऐसी प्रकार का बनाया गया बारूद जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर सामान्य और विशेष आदेश द्वारा स्पेसिफाई करता है, ठीक है, वो होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है,
वो दो बातें किस चीज़ पे मुख्य बातें पे डिपेंड होती है, पहला उसमें परमिटेड एक्सप्लोसिव में क्या गुण होता है, सबसे दो बातें याद रखिएगा, एक लो टेम्परेचर और दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो लो टेम्परेचर होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव में, दो गुण ये होते हैं कि जब कोई जैसे कि जो टेस्टिंग करता है कोई भी एक्सप्लोसिव को अप्रूव करने से पहले, जो सिंफर जैसे है, तो सिंफर क्या देखते हैं, वो दो चीज़ देखते हैं, एक ब्लास्ट होने पर टेम्परेचर अधिक ना निकले, ऐसा ना निकले कि बाहर में जो वातावरण में मीथेन गैस जो मौजूद है उसको वो जला दे, दूसरा क्या है कि फ्लेम ऐसा प्रोड्यूस ना हो, इतना देर तक प्रोड्यूस ना हो कि वहाँ लैगून इग्निशन पहुँच करके उस मीथेन गैस को एक्सप्लोड कर दे। इसलिए क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस जो होता है, जो फ्लेम निकलता है वो कुछ ही क्षण के लिए निकलता है, दैट इज़ द 1/10,000 सेकेंड तक के लिए निकलता है। सोच लीजिए कितना होता है, एक सेकेंड कितना भी होता है, और एक सेकेंड का हजारवां भाग तक वो उतने ही देर तक लिए निकलता है फ्लेम। तो इसीलिए इस पर दो बातें हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव में, कि लो टेम्परेचर होता है ब्लास्ट करने के बाद, लो टेम्परेचर उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जो फ्लेम निकलता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये दो बातें परमिटेड एक्सप्लोसिव में होती है, ठीक है। यही चीज़ मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये परमिटेड एक्सप्लोसिव, इट इज़ इंसेंशियल दैट हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस बाय एन एक्सप्लोसिव शुड बी इनकैपेबल ऑफ इग्नाइटिंग द गैस एंड कोल डस्ट। मतलब परमिटेड एक्सप्लोसिव में जरूरी चीज़ें क्या है, कि जो हीट और फ्लेम निकलता है वो बाहर के वातावरण मैंने वातावरण में को गैस जो होती है या कोल डस्ट होती है उसको इग्नाइट ना कर सके, इस तरह से परमिटेड एक्सप्लोसिव को बनाया गया है ये गुण दे करके। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिंफर, सिंफर का फुल फॉर्म क्या है। ये पहला ऑप्शन है कोल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सेकेंड इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, एंड थर्ड इज कोल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये आप सोच रहे होंगे यार कि सिंफर के बारे क्यों बता रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है। पहले सिंफर क्या हुआ करता था, पहले के टाइम पे इसका पहले नाम हुआ करता था कोल माइनिंग रिसर्च स्टेशन हुआ करता, यही चीज़ बदल करके 2014 में ये बदला गया था, इसका नाम बदल करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च रख दिया गया। ये जो सिंफर है एक्सप्लोसिव की परीक्षण करती है, वही देखता है कि लो टेम्परेचर इसका है कि नहीं है, मतलब फ्लेम कितना देर के लिए, ये टेस्टिंग करता है। उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, ये DGMS को इन्फॉर्म करता है, ये अप्रूव दे देते हैं कि ये अंडरग्राउंड माइंस में यूज किया जा सकता है। तब DGMS क्या करता है, उस चीज़ को देख करके वो खुद थोड़ा टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो खुद अप्रूव करते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोनों का अप्रूवल होना जरूरी है। DGMS किसके कहने पर, सिंफर के कहने पे क्या होता है, सिंफर कह दिया कि अप्रूव्ड है ये चलेगा अंडरग्राउंड माइंस में, उसके कहने पर DGMS उस चीज़ को अप्रूव कर देता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, हु अप्रूव्ड एक्सप्लोसिव फॉर अंडरग्राउंड माइंस। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट इज CSIR सिंफर, सेकंड इज DGMS, थर्ड इज बोथ वन एंड टू मतलब ए एंड बी, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर तो आप रेगुलेशन के अनुसार करोगे तो DGMS लिखने का, अगर नॉर्मल कहा जाए तो ये दोनों होगा। आंसर क्या होगा, इसको हम नॉर्मल के तौर पे कहेंगे तो इसमें दोनों होगा, क्योंकि जब सिंफर अप्रूव करेगा तभी तो DGMS अप्रूव करेगा, अगर वो अप्रूव नहीं किया तो वो DGMS अप्रूव नहीं करेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा जनरल के तौर पे 1 और 2 दोनों, ठीक है। और रेगुलेशन के अनुसार कहा जाएगा तो DGMS आप टिक मारिएगा, ठीक, ये आप नया चीज़ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कि द सेफ्टी ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव डिपेंड प्राइमली अपॉन, मतलब सेफ परमिटेड एक्सप्लोसिव का सेफ्टी किस पे डिपेंड करता है। ये तो मैंने अभी बताया, फर्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार लो टेम्परेचर, सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, थर्ड इज डेटोनेशन, फोर इज 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ, लो टेम्परेचर पे उसका गुण यही है, सेफ्टी उसी में है कि टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और फ्लेम जो होता है बहुत ही कम समय के लिए निकलता है, ठीक।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कूलिंग एजेंट आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। ठीक है, परमिटेड एक्सप्लोसिव में कूलिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं ये चीज़ देखेंगे। पहला है ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पोटासियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम फ्लोराइड, फोर्थ इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फाइव इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आप सोच रहे होंगे कि किताब में सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, हाँ भाई सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन ये कूलिंग एजेंट तो है, कूलिंग एजेंट तो ये है, बुक में तो कूलिंग एजेंट ये भी लिखा हुआ है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये सोडा जो है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट परमिटेड एक्सप्लोसिव, ज़्यादातर में एक्सप्लोसिव में सोडियम बाइकार्बोनेट का ही इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कूलिंग एजेंट सिर्फ मैंने पूछा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन इस तरह से दिया होगा तो, ऑप्शन तो वैसे देने वाला नहीं है, एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये जो ऑप्शन है, ये तीन जो ऑप्शन है ये आपको नहीं देगा, लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट दे देगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, फर्स्ट इज 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर तो आप जान गए कि 5 ग्रुप में परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है, वो क्या होता है, P1, P2, P3, P4, P5। मतलब परमिटेड एक्सप्लोसिव 5 ग्रुप में होते हैं। पहला क्या है, P1 एक्सप्लोसिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनसीथ एक्सप्लोसिव, और P2 एक्सप्लोसिव को हम लोग क्या कहते हैं, सीथ एक्सप्लोसिव, और थर्ड P3 को कहते हैं इक्विवेलेंट सीथ एक्सप्लोसिव, फोर्थ इज अल्ट्रा सिप्ट एक्सप्लोसिव, एंड फाइव पॉइंट कीजिए ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोसिव। यही इसका P5 एक्सप्लोसिव को हम लोग ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोसिव कहते हैं, जो सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है। ये P1 एक्सप्लोसिव में कुछ कुछ एक्सप्लोसिव के नाम भी दिए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू से भी करवा दूंगा, एजेक्स जी, विकिंग जी, और स्लरी एक्सप्लोसिव, ये याद रखें। यहाँ पॉइंट आप ध्यान रखो कि ये जो स्लरी एक्सप्लोसिव यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्लरी एक्सप्लोसिव, गोडायन का नाम सुने होंगे, तो गोडायन जो है वो गोडायन के अंदर में स्लरी एक्सप्लोसिव होता है, वो कार्टिज के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ अनसित है, इसका मतलब ये अनसित है तो इसका तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सप्लोसिव पहले क्या होता था, उस स्लरी एक्सप्लोसिव डाल करके उसको कार्टिज के फॉर्म में अंडरग्राउंड में इस्तेमाल हुआ करता था। अभी भी यूज होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग में पेंटाडाइन आता है, पेंटाडाइन में मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रूफ दिया हूँ मैं, स्लरी एक्सप्लोसिव जो मैं कहा था ना पहले क्वेश्चन पे कि स्लरी एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ओपन कास्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन कास्ट में क्या है, वो वहाँ पे अनसित, मतलब उसमें कवर कोई नहीं, लिक्विड के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, मतलब नॉन कैप सेंसिटिव इस्तेमाल होता है ओपन कास्ट में, और अंडरग्राउंड में क्या हो स्लरी एक्सप्लोस कैप सेंसिटिव बनाकर, मतलब कार्टिज के रूप में हम इस्तेमाल किया हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द परमिशन ऑफ DGMS। DGMS का परमिशन होना चाहिए, ये देखेंगे आप। नेक्स्ट को देखिए, प्रूफ मैंने दिया है कि ब्लास्टिंग हैंडबुक का आप किताब खोल के अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है कि स्लरी एक्सप्लोसिव बल्क एक्सप्लोसिव के रूप में ओपन कास्ट में अनुमोदित परमिटेड एक्सप्लोसिव कार्टिज के रूप में भूमिगत खान में प्रयोग के लिए बनाया जाता है, और ओपन कास्ट माइन में इसे कास्ट बूस्टर के साथ प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं ना, भूमिगत खान में कार्टिज के रूप में लिया जा सकता है, ठीक है, और ओपन कास्ट में भी इस्तेमाल होता है। और ये डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में भी लिखा हुआ है स्लरी एक्सप्लोसिव है ना, दे ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्टिज विच प्लास्टिक और प्लोथिन रैप सम परमिटेड एक्सप्लोसिव कैन बी यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस है ना, सच ए स्लरी। ये चीज़ आप देख लेना, मैं प्रूफ दे दिया दोनों किताब का। अब वो सारा चीज़ आपके क्वेश्चन दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव है ना, एजेक्स जी एंड विकिंग जी एंड स्लरी एक्सप्लोसिव गोडायन कम्स किस ग्रुप में आता है। पहला है ऑप्शन P1, दूसरा P2, तीसरा P3, 4, P5। इसका मैं अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि P1 एक्सप्लोसिव कैटेगरी में गोडायन आता है, स्लरी एक्सप्लोसिव P1 और P5 में, जैसे मैंने वो अनसिद्ध था ना,
ये ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो एक्सप्लोसिव है यहाँ अनसीथ है ना, तो लेकिन अंडरग्राउंड में परमिसिबल है, तो अंडरग्राउंड परमिसिबल है तो ये अनसीथ है, लेकिन P5 भी इसमें स्लरी एक्सप्लोसिव आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ है ना स्लरी एक्सप्लोसिव, ये वाला, ये आप कार्टिज के फॉर्म बनाया तो पेंटाडाइन बन गया, ठीक है, एक्सप्लोसिव हो गया। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं, कन्फ्यूज है तो उसमें कॉमेंट करके मुझे बताएं, मैं क्लियर करूँगा। विच ऑफ द फ्लोइंग माइंस स्लरी एक्सप्लोसिव आर यूज? ऑप्शन है ओपन कास्ट माइन, सेकेंड इज अंडरग्राउंड माइंस, थर्ड इज बोथ ए एंड बी, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, अंडरग्राउंड में भी यूज होता है और ओपन कास्ट में भी यूज होता है। ये मत समझिए कि अंडरग्राउंड में नहीं होता, अंडरग्राउंड में होता है लेकिन कार्टिज के फॉर्म में इस्तेमाल होता है और ऊपर में नन कैप से कप कैप सेंसिटिव के रूप में इस्तेमाल होता है ओपन कास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे मैंने जो किताब का जो रिफरेंस दिया था वो वर्ड में मैंने लिख दिया। स्लरी एक्सप्लोसिव जो होता है वो अंडरग्राउंड में कार्टिज के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। पहले ये आप देखिए, छोड़ा उसको छोड़िए, मैंने तो बता दिया, उसको ध्यान से पढ़िएगा, गौर लगा के लिखा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव आर नॉट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड नॉट इन यूज इन आवर माइंस? मतलब इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव है जो इंडिया में बनता भी नहीं है ना हम लोग यूज करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है P2, सेकेंड इज P4, थर्ड इज P1 एंड फोर्थ इज 1 एंड 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। P2 और P4 जो एक्सप्लोसिव है ना, वो हमारे इंडिया में ना बनता है ना उसका यूज किया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोटेड विथ सीट एक्सप्लोसिव सीट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? मतलब किस एक्सप्लोसिव के ऊपर में जो कवर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का कवर होता है, उसका खोल होता है, कौन से एक्सप्लोसिव में होता है? ऑप्शन इस प्रकार है, सीट एक्सप्लोसिव, सेकेंड इज अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव, थर्ड इज ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोसिव दैट इज P5 एक्सप्लोसिव, है ना, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा सीट एक्सप्लोसिव। क्या होगा? सीट एक्सप्लोसिव दैट इज द P2 एक्सप्लोसिव। P2 एक्सप्लोसिव में ही सोडियम बाइकार्बोनेट का खोल चढ़ाया हुआ रहता था, ठीक है। उस खोल में क्या होता था, मान लीजिए कि ये खोल है, ये एक्सप्लोसिव है, ये एक्सप्लोसिव में ही खोल चढ़ाया हुआ है, और खोल चढ़ाया हुआ है और यहाँ पे खुला है और यहाँ पे भी खुला है। जब क्या कहता है, एक्सप्लोसिव हम होल में डालते हैं तो होल में डालने के बाद क्या होता है, सॉरी मेरे दोस्तों कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता रहा था कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खोल होता है एक्सप्लोसिव में, ये एक्सप्लोसिव आखिर बंद क्यों हो गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट खोल वाला जो चढ़ाया वाला बंद क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो खोल चढ़ा हुआ होता था ये इधर साइड में खुला छोड़ा हुआ था, दोनों साइड में खुला हुआ छोड़ा रहता था, ताकि ये क्या होता, निकल भी जाता था जब ब्लास्टिंग के समय में, ये निकल भी जाता था, जिसके कारण क्या है, ये CO2 और H2O का वो बना नहीं पाता था और वो ब्लास्ट भी नहीं हो पाता, तो वो दूसरे एक्सप्लोसिव को कवर जला भी नहीं पाता था। ये अगर इसमें खोल चढ़ा हुआ, इसमें अगर बीच में आ गया तो इसको जला नहीं पाता था, एक्सप्लोड नहीं कर पाता, इस कारण इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सीट एक्सप्लोसिव होगा। सीट एक्सप्लोसिव में ही सोडियम बाइकार्बोनेट का कोटेड किया हुआ, मतलब उसको कवर किया, वो खोल रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये भी याद रखिए कि इक्विवेलेंट जो सीट एक्सप्लोसिव होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट एक्सप्लोसिव जो है ये क्या होता है, जो खोल का जो समस्या था ना उसको दूर किया गया। दूर क्या किया हुआ, P3 एक्सप्लोसिव है उसमें क्या कर दिया गया कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, उस एक्सप्लोसिव के जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड से बने होते हैं, उस कंपाउंड में ही सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्सअप करके बना दिया गया। और मिक्सअप करके बना दिया गया, अब जो भी ब्लास्टेड होते हैं उससे हमको खोल का टेंशन नहीं है, और एक एक्सप्लोसिव के कारण दूसरा एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड नहीं हो पाता है, वो भी जो है ये ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए, जब सीट एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस चीज़ का ब्लैंकेट बनाता है?
पहला है आपका ऑप्शन इस प्रकार है CO2, सेकेंड इज H2O, थर्ड इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब H2O का फॉर्मेशन करता है, मतलब वाटर भी निकलता है, CO2 निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, एक तो फ्लेम नहीं निकलने देता है, दूसरा क्या है, H2 होने के कारण क्या होता है, वो टेम्परेचर जो निकलता है वो टेम्परेचर को भी कम कर देता है। इसी कारण क्या है, हमारे जो सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल जो करते हैं, यही दो कारण के, जो एक लो टेम्परेचर जो होता है ये इसके कारण ठंडा हो जाता है, और जो फ्लेम निकलता है ये इसके कारण बुझ जाता है, समझ रहे हैं ना, वो फ्लेम यही दोनों रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब नया चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि कॉलम चार्ज एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं? वह एक्सप्लोसिव जो ओपन कास्ट में यूज होता है और नॉन कैप सेंसिटिव होती है और ब्लास्ट होल का 80% नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए उसे एक्सप्लोसिव को कभी कभी कॉलम चार्ज एक्सप्लोसिव भी कह देते हैं। अब समझ गए कि भाई ये कॉलम है, जो भी होल होता है वो कॉलम ही होता है ना, कॉलम में अगर एक्सप्लोसिव डाल दिए तो कॉलम चार्ज हो गया, ख़त्म चीज़, और कुछ है नहीं, वो टर्म यूज हुआ था इसीलिए मैं दे दिया, और कुछ नहीं है। प्राइमर चार्ज एंड बूस्टर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब प्राइमर चार्ज और बूस्टर फेन, बूस्टर चार्ज जो होता है, बूस्टर जो होता है वो ओपन कास्ट में किस फॉर्म में रहता है? पहला ऑप्शन है कैप सेंसिटिव, सेकेंड इज नॉन कैप सेंसिटिव, थर्ड इज नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर जो होगा कैप सेंसिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग परमिटेड एक्सप्लोसिव आर यूज, मतलब परमिटेड एक्सप्लोसिव कहाँ यूज होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, अंडरग्राउंड कोल माइंस, सेकेंड इज अंडरग्राउंड मेटल माइंस, थर्ड इज ओपन कास्ट माइंस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा अंडर कोल माइंस। परमिटेड एक्सप्लोसिव जो होता है कोल माइंस, अंडर यूजी कोल माइंस के में उपयोग होता है, मेटल माइंस में आप नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है। अंडरग्राउंड में जो मेटल माइंस होता है, अंडरग्राउंड जो मेटल माइंस होते हैं उसमें अनपरमिटेड एक्सप्लोसिव यूज किया जा सकता है, ये चीज़ मैं रेगुलेशन पे भी बताऊंगा। अंडरग्राउंड में मेटल माइंस जो होता है उसमें परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज करने का कोई अनिवार्य नहीं है, उसमें कोई भी उसमें कोई बताया नहीं गया है कि परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका प्रूफ मैं अभी लास्ट वीडियो में दूंगा, रेगुलेशन से रिलेटेड मैं प्रूफ दूंगा। पहले इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस होकर के यहाँ पे अंडरग्राउंड कोल माइंस होगा, अंडरग्राउंड कोल माइंस, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लोसिव आर यूज इन वाटरी प्लेस और वाटरी होल, मतलब वाटर जिसमें, जिस होल में पानी होता है उस होल में एक्सप्लोसिव किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है, फर्स्ट इज जेलेटिनियस एक्सप्लोसिव, सेकेंड इज सेमी जेलेटिनियस एक्सप्लोसिव, थर्ड इज स्लरी एक्सप्लोसिव, फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ये फॉर्मल क्वेश्चन इनफॉर्म। इसका अब रेगुलेशन में देखिए, रेगुलेशन में क्या है, 198 में कंडीशन रिक्वायरिंग यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, परमिटेड एक्सप्लोसिव में यूज करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं ये पे देखिए। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू से बना के दे दिया हूँ कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन परमिटेड एक्सप्लोसिव कैन बी यूज। फर्स्ट इज, वन इज अ स्टोन ड्रिफ्ट इफ इट डज नॉट कंटेन ड्राई कोल डस्ट, मत सेकेंड इज साफ्ट विच इज इन द कोर्स ऑफ बींग संक, एंड थर्ड इज बोथ वन एंड टू, फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर तो आप जान गए हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा बोथ। अ स्टोन ड्रिफ्ट जो है उसमें अगर कोल डस्ट का कोई अगर खतरा ना हो कोल डस्ट का, तो स्टोन ड्रिफ्ट में हम नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि अगर स्टोन ड्रिफ्ट है तो स्टोन ड्रिफ्ट के, यहाँ मान लीजिए स्टोन है, अगर इसके 5 मीटर के अंदर पे ये कोल स्थित है, यहाँ पे कोल है और इसका डिस्टेंस जो है 5 मीटर से कम है, तो इस केस में आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। अगर 5 मीटर या 5 मीटर से अधिक दूरी पर अगर कोल सीम का सीम है उसके अंदर पे, तो हम अनपरमिटेड एक्सप्लोसिव को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। साफ सिंकिंग के में भी वही केस होता है, ये चीज़ मैं अभी बताऊँगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लोसिव आर यूज इन कोल मेजर ड्रिफ्ट
और स्टेपल शाफ्ट फ्रॉम वन सीम टू अनदर, मतलब यहाँ पे एक सीम है, यहाँ पे एक सीम है, ठीक है, और यहाँ पे एक सीम है, दो सीम को जो कनेक्ट करते जो ड्रिफ्ट होता है उस ड्रिफ्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, परमिटेड एक्सप्लोसिव या अनपरमिटेड एक्सप्लोसिव, ठीक है, उस पर ध्यान रखेंगे। मैंने भी बताया ड्रिफ्ट के केस में उसमें अनपरमिटेड इस्तेमाल कर सकते, लेकिन यहाँ पे कोई भी सीम हो या कुछ भी हो, चाहे 5 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन आपको यहाँ पे परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, परमिटेड एक्सप्लोसिव ही इस्तेमाल करना होगा अंडरग्राउंड में, जब एक सीम से दूसरे सीम में जो ड्रिफ्ट या शाफ्ट, जो स्टेपल शाफ्ट बनाया जाता है उसको ब्लास्ट करने के लिए हमें परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल, इसमें कंडीशन लागू नहीं होता, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट परमिटेड एक्सप्लोसिव। इसको मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिए, वह स्टोन ड्रिफ्ट जिसका कोल सीम से 5 मीटर या उससे अधिक दूरी हो तो वहाँ अनपरमिटेड एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है, जा सकता है, सब लिख दिया है, वो पढ़ लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, आशा है कि आप लोग समझे होंगे और नया चीज़ आपको मिला होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और उन लोग को भी समझने का मौका दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ठोकिएगा ज़रूर। चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।